हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक्निकल एबीसीडी इन यूट्यूब चैनल में। हियर मयूर। और यहाँ पे मैं विंडोज़ 8.1 इंस्टॉल कर रहा था, तो मैंने सभी सी ड्राइव्स की इंपॉर्टेंस फाइल अदर ड्राइव्स में के मीन्स अदर पार्टीशंस में मूव कर दी थी। लेकिन अभी यहाँ पे मेरे को कुछ एरर्स आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे पूरी ड्राइव क्लीन करनी, हार्ड डिस्क क्लीन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंस मेरा डेटा है वो मुझे अभी रिकवर करना है। तो वहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस देखे, कमांड प्रॉम्प्ट्स एंड अदर चीज़, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आपका डेटा GB में हो और आपको उसको रिकवर करना हो। तो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंस डेटा रिसीव करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बूट मेनू ओपन कर दिया है, जहाँ पे मेरे विंडोज़ या फिर कोई भी OS अभी इंस्टॉल नहीं है मेरे PC में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सैंडिस्क का जो पेन ड्राइव है, आप देख सकते हो, इसमें विंडोज़ 8.1 लोड किया है और बूट मेनू यहाँ पे ओपन किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सैंडिस्क पार्टीशन 1 दिख रहा है। तो इसके लिए आपको F12, और एस्केप से भी ये बूट मेनू ऑन हो जाता है। डिफरेंट लैपटॉप के लिए अलग अलग टाइप से ये होता है, तो मैं आपको ये भी एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी शट डाउन है। ओके, तो यहाँ पे आपको F12 प्रेस करना है। तो इस लैपटॉप के लिए स्पेशली F12 है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी हम बूट मेनू में आ गए। ठीक है, तो आप मैंने यहाँ पे सैंडिस्क का पार्टीशन मीन्स पेन ड्राइव लगाया है, तो आपको ये यहाँ पे दिखाई देगा। बूटेड पेन ड्राइव लगाया है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं। तो गाइज, मैंने विदाउट डेटा को लॉस किए हुए विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए और एरर रिमूव करने के लिए बहुत सारे आर्टिकल देखे, वीडियोज़ देखे, फिर भी फाइनली मुझे ये क्लीन ही करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे विंडोज़ 8.1 की फाइल्स है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ और इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की मांग रहा है। ये प्रोडक्ट की आप बेसिकली, मैं तो गूगल से ही, गूगल पे आप विंडोज़ 8.1 के प्रोडक्ट की सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी कीज़ मिलेगी। उसमें से आप एक कौन से भी अभी के लिए यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं एक की इंस्टॉल कर देता यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये प्रोडक्ट की डाल ली है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे हम। और यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, यस कस्टम। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, विंडोज कांट बी इंस्टॉल ऑन ड्राइव 01 पार्टीशन, या फिर मैं पार्टीशन 2 में क्लिक करता हूँ तो यही एरर आ रहा है। तो मैंने इसकी सोल्यूशन देखे कमांड प्रॉम्प्ट से, तो मुझे पूरी ड्राइव क्लीन करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे लिटिल थिंग्स ड्राइव में बहुत सारा डेटा अभी भी अवेलेबल है, जो मुझे अभी यहाँ से रिकवर करना है। तो इसके लिए हम इसको बंद करेंगे। ओके, और रिपेयर कंप्यूटर में जाएंगे, रिपेयर योर कंप्यूटर। ओके, देन ट्रबल शूट, और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा। तो गाइज, आप पूरी प्रोसेस कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं। जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती है उसको हम इमेज फाइल बोलते हैं, जो भी हमारा ग्राफिकल व्यू है उसके लिए वो होती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट से तो अच्छी बात है। फिर भी एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है जब आपका डेटा बहुत अंदर की फाइल्स में होता है या फिर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में होता है। तो अभी हम यहाँ पे टाइप करेंगे नोट पैड। ओके, तो ये नोट पैड जैसे मैं यहाँ पे टाइप करके एंटर करता हूँ, आपको यहाँ पे एक नोट पैड ओपन होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम फाइल में जाएंगे और इसको ओपन करेंगे। और जैसे हम फाइल में जाते हैं तो यहाँ पे हमें जो कुछ ग्राफिकल व्यूज में ओपन होता है, और यही हमें चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो जो जैसे कि मैं यहाँ पे माई PC में जाता हूँ तो बहुत सारे ड्राइव्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो ड्राइव्स है ये लोडेड है 8.1 विंडोज से,
और ये सिस्टम सी, एंड ये जो ड्राइव है एमडी ड्राइव जो मैंने अभी थोड़ा बैकअप ले लिया है यहाँ पे पेन ड्राइव कनेक्ट करके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पेन ड्राइव या फिर जो भी आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव है वो कनेक्ट करनी है, और सिंपली जैसे आप विंडोज़ के अंदर डेटा रिस्यू करने के लिए यूज़ करते हो वही यूज़ करना है। ओके, तो हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे और जो एक आर्डिनो डार्क थीम मास्टर है उसको हम राइट क्लिक करके कट करेंगे, और बेसिकली यहाँ पे और यहाँ पे एमडी ड्राइव में जाकर इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, और अगर बहुत बड़ी फाइल होगी जीबी में जैसे 15 GB और मोर देन, तो यहाँ पे आपको सर्कल दिखेगा लोडिंग होते हुए, जैसे कि हमारे बेसिक ड्राइव में आता है वैसे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं लेकिन आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, क्योंकि इसकी जो पूरी इमेज फाइल्स और जो भी एनिमेशन हमें आते हैं वो सभी विंडोज़ में होती है और वो इंस्टॉल नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैक करूँगा और फिर से यहाँ पे ओपन करूँगा। तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो जो हमने डार्क आर्डिनो थीम मास्टर की फाइल मूव की थी वहाँ पे, यहाँ पे दिख रही है, मतलब ये हमारे पेन ड्राइव में आ चुके हैं। इसी तरह आप सभी बैकअप ले सकते हो, और सभी बैकअप लेने के बाद आप इजीली इसको क्लीन करके इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी का वीडियोस वगैरह आपको इजीली मिल जाएंगे। ये थोड़ा मुझे भी बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ा था, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।